नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लिमिट्स। बिल्कुल बेसिक से लेवल से स्टार्ट करूंगा और टॉप लेवल तक जाऊंगा। इसके लगभग मैं 10 से 11 क्लास देने वाला हूं। एक एक क्लास आपको समझते जाने हैं। बात तो इसको यह समझना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स आता है। ये तो आपको लिमिट को लिखने का तरीका है, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, तो हम सीधा वहीं से आगे बात करेंगे। आज की क्लास का मेरा पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है बेटा LH कॉन्सेप्ट। आपको इसको समझना है। जो क्वेश्चन तुम्हारा एक पन्ने में, आधा पन्ने में, पांच लाइन में जाता होगा, अगर आपको LH कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो सवाल तुम्हारा एक से दो लाइन में भी नहीं जाएगा। लिसन टू मी, LH कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, इसको समझने के लिए पहले बेसिक बात करना चाहूंगा। जिस क्वेश्चन के अंदर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाए, जिस क्वेश्चन के अंदर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाए, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस क्वेश्चन के अंदर हर जीरो बन जाए, जिस क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर जीरो बन जाए, उस क्वेश्चन के अंदर हम लगाते हैं बेटा LH कॉन्सेप्ट। बात पकड़ में आ रही है? जिस क्वेश्चन के अंदर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन जाए, जिस क्वेश्चन के अंदर हर जीरो बन जाए, डिनोमिनेटर जीरो बन जाए, उस क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं हम LH कॉन्सेप्ट। अब ये लगाने के लिए एक्चुअली ये होता क्या है, तो मैं इसको समझा दूं कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी कहानी बनेगी, और इस ए को पुट करने पर अगर जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म बनकर के आता है, तो आपको बस एक ही काम करना है, और वो काम क्या है, एफ एक्स का जस्ट कर देना है डिफरेंशिएशन एफ डस एक्स, और इसका भी कर देना है डिफरेंशिएशन जी डस एक्स। इसका मतलब है अंश का अवकलन बटा हर का अवकलन। द्वारा समझने की कोशिश करिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ए कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स कुछ भी हो सकता है, अगर उसको पुट करने पर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनती है, तो उस क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं LH कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है, एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। मैं ऐसे कह सकता हूं अंश का अवकलन, कट तो नहीं रहा है बेटा, अंश का अवकलन बटा हर का अवकलन, अंश का अवकलन बटा हर का अवकलन। ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, लेट कॉन्सेंट्रेट। ये आपको याद होना चाहिए बढ़िया तरीके से, एक बार से नोट कर लें आप आराम से। LH कॉन्सेप्ट होता है जीरो अपॉन जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ डेस एक्स अपॉन जी डेस एक्स, आई मीन डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन बेसिक वाला चाहिए, वो आपको आता होगा, मुझे इतना सा आपको पता है। सवाल ये रहा आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। ओके, रेडी, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री। सबसे पहला काम आपको पता होगा इसका बेसिक तरीका क्या था। इसका बेसिक तरीका था कि अपन ऊपर के फैक्टर ऊपर करते थे, नीचे के फैक्टर नीचे करते थे। ये हमारा 11th क्लास का बेस है, वो मैं आपको बताने वाला हूं नहीं, ये आपका शॉर्टकट है, ये आपका कंसेप्ट है LH कंसेप्ट। यहां मैं लिख देता हूं LH कंसेप्ट, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब भी जीरो अपॉन जीरो का नाटक कहीं भी हो रहा हो, सीधा एक ही खेल खत्म करना है, एफ डैस एक्स अपॉन जी डैस एक्स, और यहां करना है एन डैस अपॉन डी डैस। आइए, अगर मैं थ्री यहां रखता हूं तो थ्री और ये सिक्स एंड सॉल्यूशन करूंगा, तो ये सवाल बनेगा जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म। यू कैन चेक चेक करिए, 0.0 बन रहा है क्या? जैसे ही 0.0 बनेगा, हमारा सवाल डायरेक्ट लिमिट का तो नहीं रहा, तो इसको करते थे हम फैक्टर मेथड से, और अभी हम फैक्टर मेथड से नहीं करेंगे। अब इसको करने का जो तरीका होगा वो होगा हमारा LH कॉन्सेप्ट। कैसे लगाएंगे? ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का किया जाएगा कितना हो जाएगा 2x, 4x का किया जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 4, और कांस्टेंट नंबर का हो जाता है जीरो। इसका किया जाएगा कितना 2x, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 2। अगर मैं 3 रख देता हूं
आंसर आएगा 1/2। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बेस से अगर आपको करना पड़ता तो पहले आपको इसके फैक्टर करने पड़ते, फिर आपको इसके फैक्टर करने पड़ते और आपका टाइम बहुत सारा वेस्ट हो सकता था। पहला सवाल यह है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट्स फोकस। ऊपर और नीचे वैल्यू पुट करके देखो, डायरेक्ट लिमिट पुट तो नहीं हो रही। जिन क्वेश्चनों के अंदर 0.0 नहीं बने उनमें सीधा लिमिट रख दो, आंसर आ जाएगा, मगर इतना तकदीर आपका अच्छा नहीं होगा। चलिए वैल्यू पुट करके देखिए, यस 0.0 का फॉर्म बन रहा है और 0.0 का फॉर्म बनते ही बेस अगर आप दिमाग में लगाएंगे तो याद आएगा ऊपर के फैक्टर ऊपर, नीचे के फैक्टर नीचे। लेकिन क्योंकि हम तैयारी कंपटीशन की कर रहे हैं, हमारे दिमाग में आना चाहिए एलएच कंसेप्ट। प्रॉब्लम यह है कि आपने को समझ में आया कि नहीं आया। इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अवकलन कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दूं, बेसिक सी बात है भाई, डी ओवर डी एक्स, एक्स का पावर एन का होता है एन एक्स एन माइनस का वन। अगर मैं यहां फोर रखूंगा, वन फाइव, क्वेश्चन इज ओवर। यह है कॉन्सेप्ट एलएच। किसी क्वेश्चन में 0.0 फॉर्म बने, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन, एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको पता है एलएच कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, अभी आप पढ़ते जाइए अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। यहां तो आपको लग रहा होगा सर यहां पर हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, मगर आगे चल के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके फैक्टर करना ही पॉसिबल नहीं होगा। सवाल यह है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट्स फोकस। सबसे पहले सभी बच्चे ऊपर और नीचे x की वैल्यू को रख के देखो, आपको मालूम चलेगा क्वेश्चन 0/0 फॉर्म का है। इसका मतलब है सवाल आसानी से नहीं होने वाला, आसानी से आप इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते। जिस क्वेश्चन के अंदर 0/0 बन जाए, बेस लगाएंगे तो याद आएगा फैक्टर मेथड, ऊपर का ऊपर फैक्टर, नीचे का नीचे फैक्टर। लेकिन हम लगाने वाले हैं अलग कंसेप्ट, ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव मैंने किया। एक्स अगर 5 डाल दूं, 1, एक्स अगर 5 डाल दूं, 4, एंड क्वेश्चन इज ओवर। कितना बढ़िया अप्रोच है, ना कोई फैक्टर करना पड़ा, ना कुछ और सोचना पड़ा, केवल आपको बेसिक सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, लेट फोकस। अगला सवाल यह है आपके सामने आपके बोर्ड पर, सारे बच्चे सबसे पहले काम करें, एक्स की जो वैल्यू दे रखी है लिमिट के अंदर उसको प्लेस करें। 5 अगर आप डालेंगे तो 125 यानी कि 0, और नीचे 35 ये भी 0, 0.0 फॉर्म बन गया। जिस क्वेश्चन के अंदर 0.0 फॉर्म बनती है उसमें हमारे दिमाग में आता है एलएच कंसेप्ट, और वो क्या होता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। चलिए इसका ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इसका 2x माइनस का 7। लेट फोकस, अगर मैंने वैल्यू पुट किया तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 75, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा 3, 3 से 75 कट जाएगा, योर आंसर इज 25 एंड क्वेश्चन इज ओवर। कितना बेहतरीन कंटेन है, अब तो आपको प्रैक्टिस भी होने लगी होगी। अगला सवाल यह है आपके बोर्ड पर आपके सामने, लेट फोकस। यस, अगर आपने x के जगह पर रूट 3 रखा तो ऊपर क्या बन जाएगा 0, और नीचे रखा तो भी बन जाएगा 0। इतना जैसे ही आइडिया आपके दिमाग में आएगा, पता है आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर करना पड़ेगा आपको फैक्टर, लेकिन फैक्टर के जगह हम क्या लगाने वाले हैं, अलग कंसेप्ट, और वो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a हो या वॉट एवर, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। लेट फोकस,
2x, 2x प्लस 3 रूट 3, x के प्लेस पर रूट 3 डाल दिया जाए, नीचे भी आपका 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, उसके बाद क्या होगा, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री क्या हो जाएगा, कैंसिल होके कट जाएगा और आंसर आ जाएगा बेटा 2/5 एंड क्वेश्चन इज ओवर. दैट्स गुड आइडिया, वेरी गुड अप्रोच. अगला सवाल हम फोकस करने वाले हैं, लेट्स नोट. अगला सवाल ये रहा आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस. अगर आप x का वैल्यू को प्लेस करते हैं तो ऊपर आ जाएगा जीरो, नीचे प्लेस करते हैं तो भी आ जाएगा जीरो. आपको पता चला जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म बन गया. और जब भी ऐसी कहानी डेवलप होती है क्या अप्लाई करना होता है, एलएच कॉन्सेप्ट. ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन इसका किया जाएगा. कितना आ जाएगा बेटा 2x, कितना आ जाएगा बेटा 2x प्लस का रूट 2. एक्स के जगह पर रूट 2 डाल दूं तो यह आ जाएगा बेटा 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 प्लस रूट 2. सोल्यूशन किया जाएगा तो रूट टू रूट टू रूट टू कॉमन लेके कट जाएगा, आंसर आएगा 2/3 एंड क्वेश्चन इज ओवर. मैं आपको उस कॉन्सेप्ट पे काम करा रहा हूं कि आप एक काम को बार बार करते हैं ना तो महारत हासिल हो जाता है. मैंने आपसे कहा था कि पावर ऑफ प्रैक्टिस, पावर ऑफ रिपीटेशन. एक काम को इतनी बार करो कि उससे मोहब्बत हो जाए, उसे जीना सीख जाए आप लोग. लिसन टू मी. अगला सवाल यह है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस गाइस, दिमाग लगाइए. सबसे पहला काम आपको वैल्यू पुट करके देखना है. अगर आपने ऊपर नीचे पुट किया यह फॉर्म बन जाएगा जीरो अपॉन जीरो. किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नहीं बना तो, अरे जीरो अपॉन जीरो फॉर्म नहीं बना तो सवाल ही इतना छोटा होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा. ये तो टेंशन तो तभी तो हो रही है जब 0.0 आ रही है क्वेश्चन के अंदर. और ये टाइप वन क्लास है आज, इसलिए आगे के लेक्चर में आगे की बातें होंगी और जो एक दिन टॉपिक निकल जाएगा वो अगले दिन की क्लास में रिपीट नहीं होगा. सो फोकस करते जाना. चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन. अगर मैंने ऊपर का ऊपर कर दिया नीचे का नीचे कर दिया, रूट थ्री यहां पुट कर दूं तो पता क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 रूट 3 और नीचे कितना आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 4 रूट 3. रूट 3 रूट 3 कॉमन लेके कट जाएगी, ऊपर बचेगा 12 नीचे बचेगा 6, आंसर आ जाएगा 2. क्वेश्चन इज ओवर, खत्म क्वेश्चन. सवाल यह है आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट्स चेक इट. देखो मैं आपसे क्यों कह रहा था कि एलएच कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है. इससे पहले सवालों में फैक्टर करना पॉसिबल था, लेकिन मे बी पॉसिबल कि एग्जामिनर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसके फैक्टर करने में ही आपकी हेकड़ी निकाल ले तो फिर आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे होएगा. अब इस क्वेश्चन के फैक्टर करना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए जब आसान नहीं है तो आपको एलएच कॉन्सेप्ट की मदद लेनी पड़ेगी. लेट्स चेक इट. वन डालेंगे, 1-3 = 0 जीरो. फाइनल कहानी क्या है उसको समझने का प्रयास करें. क्वेश्चन में जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बनके आ गया और जीरो अपॉन जीरो आते ही एंट्री हो जाती है एलएच कॉन्सेप्ट की. और वो क्या है साहब, बता चुका हूं. एफ एक्स है तो एफ डेस एक्स हो जाता है, जी एक्स है तो जी डेस एक्स हो जाता है. अंश का अवकलन बटा हर का अवकलन क्या होगा बच्चे, 4x³ - 9x² 3x² - 10x + 3. अगर मैं यहां 1 डाल दूं तो ऊपर तो आ जाएगा -5, अगर मैं यहां पर 1 डाल दूं तो नीचे आपका आ जाएगा बेटा कितना, -4. माइनस माइनस कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा +5/4 एंड क्वेश्चन इज ओवर. फैक्टर करना इस क्वेश्चन का पॉसिबल नहीं था. पॉसिबल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी नॉलेज पर भरोसा नहीं, आप कर सकते थे लेकिन टाइम बहुत लगने वाला था. चलिए अगर आप क्लास में जिस तरह स्टडी करते हैं उसी तरह से अगर आप ऑनलाइन यानी कि वीडियो को देख रहे हैं कानों में हेडफोन लगा करके पेन कॉपी उठा करके साइलेंस होकर के समझ करके, तो आपने बहुत सारा फायदा कर लिया.
आप बस में बैठ के आए होते, किराया खर्च किया होता, धक्कम धुक्की गर्मी मरे होते, आप आराम से अपने घर बैठे हैं। और पता है रिकॉर्डेड वीडियो का एक बहुत बड़ा फायदा होता है। लाइव क्लास में, रिकॉर्ड क्लास में एक प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको बताऊं, लाइव क्लास 7 बजे शुरू हो रही है, जरूरी तो नहीं है कि 7 बजे आपकी जो क्लास शुरू हो रही है आप उस वक्त फ्री हों, आप कहीं और हों उस वक्त। दूसरी बात, जो लाइव क्लास होती है, जैसे भी आप नोटिस कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान आप दें, मैं आपको को समझाना चाहता हूं। मैं क्वेश्चन को लिखने के बाद जब मिटाता हूं तो आपको वो किसी भी वीडियो में नजर नहीं आता होगा, हम उस पार्ट को काट देते हैं। लाइव क्लास में मिटाने वाला पोर्शन कटता नहीं है और उससे हर क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट का वक्त बर्बाद होगा। मान लो हम लोगों ने जितना भी काम किया वो सब क्वेश्चन मिटाने वाला, ये सब करने वाला क्वेश्चन, ये सब टाइम आपका बर्बाद होता है, उस टाइम को हम वहां से हटा देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाइव क्लास से बेटर क्लास है रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। इस सवाल में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। चलिए अगला सवाल आपके बोर्ड पर आपके सामने है। लिमिट एक्स टेंस टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6 अपॉन एक्स क्यू माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3। अगर आपने यहां 3 डाला, अगर आपने यहां पर 3 डाला तो लेट्स चेक इट। कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन 0.0 फॉर्म बनेगा, चेक कर लीजिए आप। यहां डालूंगा 9 माइनस का 9, सॉल्यूशन करेंगे 0। यहां डालूंगा 27, ये 27 कैंसिल आउट, प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल आउट। तो अगर 0.0 फॉर्म बन जाती है, आप क्या लगाने वाले होते हैं बेटा, एलएच कंसेप्ट। कैसे लगेगा ये, बन के आ जाएगा आपका 2x माइनस का 1 और ये बन के आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x, लास्ट में प्लस 1 हो रहेगा भाई। अब मैं जब 3 यहां डाल दूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा बेटा 5 और नीचे अगर मैं डालूंगा तो कितना 27 और 1 28। यहां डालूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 27, यहां डालूंगा कितना हो जाएगा 18 प्लस का 1, सॉल्यूशन करेंगे ये बन जाएगा 28, 5 अपॉन 28 से 18 जाएगा, 10 बचेगा और सॉल्यूशन करेंगे तो 1/2 आंसर। कितना बढ़िया अप्रोच है, कोई फैक्टर नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। लेट फोकस ऑन नेक्स्ट। अगला सवाल यह है आपके सामने एक बार फिर आपके बोर्ड पर। अब तक मुझे लग रहा है आपको एलएच कांसेप्ट पकड़ में आ गया होगा। सोच के देखिए, अगर मैं यहीं पर एक सवाल यहां का एक सवाल वहां का कराने की कोशिश करता तो आप कितना सीखते, क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। आज आपको मैंने सिखाया तो है ही है, साथ में प्रैक्टिस भी कराई है और आप फर्क देखना अपने अंदर कि आप एक्चुअली सीखे हैं कि नहीं सीखे। लिमिट एक्स टेंस टू रूट 2, अगर मैं ये यहां पुट करता हूं तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 0। और अगर मैं यहां पुट करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2। और यहां पुट करता हूं तो वही आपका सॉल्यूशन होके आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ये आपका 2 हो जाएगा और ये जो है आपका 6 बन जाएगा और 0 बन के आएगा। चलिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर 0.0 फॉर्म बनती है, लेट्स अप्लाई द एलएच कंसेप्ट। क्या होता है भैया, ये बन के आ जाता है 4xq अपॉन 2x प्लस 3 अंडर रूट 2। एक्स के जगह पर मैं एक्स का वैल्यू पुट कर देता हूं और वो अगर पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटे, 2 अंडर रूट 2 और नीचे क्या आ जाएगा बेटे, रूट 2 और 3 अंडर रूट 2। रूट 2 रूट 2 कॉमन लेके कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/5। लिमिट की क्लास 1 था जिसके अंदर मैंने एलएच कंसेप्ट को बताया और उनके अंदर लगा के बताया जिनके अंदर आप क्या करते थे बेटा, फैक्टर गुणनखंड। कल की मेरी जो क्लास होगी क्लास 2, उस क्लास के अंदर इसके लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, एलएच कंसेप्ट का भी इस्तेमाल करेंगे और कुछ नई बातें जानेंगे और हर टॉपिक को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करो। आप आरएस अग्रवाल उठा लीजिए, पाथ फाइंडर उठा लीजिए, लिमिट मेरा जिस दिन कंप्लीट हो जाए किसी भी सवाल को आप छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, थोड़े थोड़े इंप्रेशन की वजह से एक सवाल यहां का एक सवाल वहां का, ये फलाना ढीका ट्रिक, इस तरह की चीजों को मत करिए। मैं आपके सामने एक चीज को समझा रहा हूं, कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट के अंदर से ट्रिक का डेवलपमेंट करो, न कि ट्रिक्स को रट्टा मारो। मैं हमेशा बात कर रहा हूं एलएच कंसेप्ट है, अब आप इसे ट्रिक्स कह सकते हैं, मगर ये कंसेप्ट के अंदर से ट्रिक डेवलप होके आई है। तो ट्रिक वही अच्छी होती है जिसका कोई कंसेप्ट हो, और अगर कंसेप्ट नहीं है तो वो ट्रिक्स अच्छी नहीं होती है। आप एग्जाम्स
देने जाते हैं, आपको पता है कि आपका आमना सामना जब होगा तो आपकी भयंकर नॉलेज, भयंकर प्रतिभा आपको विजेता बनाएगी। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लिया करो। क्लास के अंदर आप पढ़ते हैं ना, तो जब कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो क्या बोलते हैं आप, सर दोबारा बता दो, राइट ना? अरे जब टीचर आपको द्वारा बताता है तब भी उसने समझाता है, इसका मतलब है कि जब आपको द्वारा पूछना है तो वीडियो को रिकॉर्ड कर, जो रिकॉर्ड वीडियो है आपका उसे पीछे बैक कर लीजिए, वहां से देख लीजिएगा, क्या दिक्कत आने वाली है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और फ्रेंड के साथ बोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी क्या है ना कि आप लोगों की वजह से हमारा चैनल ग्रोथ है, अभी 8,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं बोल रहा हूं ना 8,000 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, आप लोगों की मदद से ऐसा कुछ हुआ है। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।